दूसरे कुछ लालची किस्म के लोग जो हैं जिन्होंने दहेज प्रथा को बहुत बढ़ावा दिया, उन्हें लगता है कि बुद्धिस्ट होने के बाद हमें इस जो बौद्ध हिंदू रहते हुए एक दहेज मिलता है लड़की पक्ष से, उससे हम वंचित ना हो जाएं, क्योंकि बौद्ध धर्म में इस तरह की प्रथा नहीं है। उसमें लड़की पक्ष पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहता कि आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा या देना पड़ेगा। तो वो लालची लोग जो हैं वो हिंदू होने के बुद्धिस्ट होने का नाटक भी करते हैं और हिंदू धर्म से शादी वो करते भी हैं। वो कहते हैं ना कि बाहर के कमरे में वो बौद्ध धर्म से शादी करेंगे, लेकिन जो पीछे की तरफ जाएंगे वहाँ वो फेरे भी लगवाते हैं, उसको पक्का करते हैं कि अब हमारी शादी पक्की हो गई, और उसमें वो बुद्धिस्ट रिचुअल्स भी करेंगे और हिंदू धर्म के जो उन्हें फ़ायदे हैं वो भी वो लेते हैं। लेकिन मतलब मानने में आप देखने में ये आता है कि जब हम अपनी बिटिया की शादी करते हैं, और मैंने देखा है कई परिवारों के अंदर कि जी हम तो बुद्धिस्ट हैं जी जी, और जब लड़कों की शादी करते हैं भाई मुझे नहीं पता, मेरी घरवाली से पूछ लो। वही मैंने जैसे अभी बताया कि इंसान जो है उसकी प्रवृत्ति दोहरी प्रवृत्ति का इंसान जो है वो ऐसे ही काम करते हैं। बुद्धिस्ट होने के बाद में वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आजकल मैं क्योंकि सोशल वर्क करती हूँ, लोगों के बीच में जाती हूँ, लोग मंच पे जाते हैं और बड़ी 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 बातें करते हैं कि हमें बुद्धिस्ट बनना चाहिए, हमें परिवार के संस्कारों को बदलना चाहिए और अपने घर में ऐसे रीति रिवाज नहीं मानने चाहिए जिससे हम गलत रास्ते पर जाते हों, हमें बाबा साहब के बताए रास्ते चलना चाहिए। उनके घर में कहने को खुद के जो इतने मंच में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा साहब की एक तस्वीर उनके घर में दिखाई नहीं देती है तो संस्कार कहाँ से आएंगे। और वो यही चाहते हैं कि अगर हम बुद्धिस्ट रहते हैं तो बेटी को तो कुछ देना ना पड़े। जब बेटी की शादी करते हैं तो उनका ये सोचना होता है कि बेटी को दहेज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब बहू आए तो वो गाड़ी भर के दहेज लेके आए, घर भर जाए, बैंक बैलेंस हो मेरा बेटी के बहू की तरफ से। तो ये दोहरी मानसिकता हमें त्याग के हमें एक ऐसी भावना रखनी चाहिए कि जैसी मेरी बेटी है ऐसी दूसरे की बेटी है। हमें बौद्ध धर्म अपनाएं तो उसे पूरी तरह अपनाएं, अपने संस्कारों में डालें, दोहरी मानसिकता को त्यागें, तभी तो ये धर्म आगे बढ़ेगा। अब ये आप पहले आपने एक सवाल पूछा था कि बौद्ध धर्म जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, वो इसी लालची प्रवृत्ति की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जी।